सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीडी, ठीक है। बीपीडी की फुल फॉर्म है बाय पायरिटल डायमीटर, डी फॉर डायमीटर। और डायमीटर का मतलब होता है जैसे कि जो सर्कल होता है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसे डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एच सी, मीन्स हेड सर्कमफ्रेंस। डायमीटर और सर्कमफ्रेंस में बहुत फ़र्क है। डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर आपने कभी मैथ पढ़ा हो तो आपको पता होगा। और सर्कमफ्रेंस होता है घेरा, ये वाला जो घेरा है ना, इसकी जितनी सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट आती है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। हेड का ये जो दोनों है जो वो हेड के ही है, हेड का डायमीटर एंड हेड का सर्कमफ्रेंस, जो बेबी की ग्रोथ अच्छे से बता देता है ये अल्ट्रासाउंड। जैसे कि मेरी बेबी की 5.75 सेंटीमीटर है, 23 वीक्स में है। और नेक्स्ट जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो 21 है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चे की किस वीक में कितना आ रहा है। देन आते हैं ए सी, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। जैसे कि बच्चे का जो एब्डोमिनल मतलब पेट है, ठीक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो बताया जाएगा। और देन एफ एल, देन आता है एफ एल मीन्स फीमर लेंथ। फीमर आप जानते होंगे, जांघ की जो हमारी हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बताई जाती है। वो मेरी बेबी की है 4.12 एट 23 वीक्स 3 डेज, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी बीपीडी एससी ए सी एंड एफ एल की जो मेजरमेंट है, फुल फॉर्म है वो क्या है।